जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं कि आपका क्या हुआ है, एसएससी जेडे का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें आपको करना क्या है, सभी लोग बहुत से लड़के हैं जो एसएससी जेडे की तैयारी करते हैं और क्या होता है इसके सिलेबस को नहीं समझते हैं। करते क्या है, किसी कोचिंग संस्था में लगे रहते हैं और उसके सिलेबस को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे क्या होता है, तैयारी करना क्या होता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तैयारी करने के लिए देखिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले एसएससी जीडी का जो सिलेबस के पैटर्न है, पहले उसको समझिए। डेली बाय डेली आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट हल करिए। पहली बात, प्रैक्टिस सेट के हल करने के बाद आप उसमें देखिए कि आपका डाउट्स यानी कि कहाँ पर खत्म हो रहा है, यानी कि आप कहाँ फंस रहे हैं। जहां पर आप फंस रहे हैं क्या करिए, तुरंत उसे क्या करिए, खत्म करिए। और शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब जहां पर डाउट हो वहां पर शॉर्ट नोट्स बनाए। और ध्यान समझिए, जीके जीएस का जो पोर्शन होता है उसे डेली बाय डेली नियमित तरीके से याद करिए, नियमित पूरा। यानी कि उसमें आपको 25 यानी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, आप करिए क्या, सबसे पहले अगर इसे नहीं समझेंगे तो कहते हैं क्या है, सभी संस्था क्या कर रही है, बस आते जाओ पढ़ते जाओ, उसकी कोई सिलेबस की रूटीन नहीं है। तो आपको करना क्या है, पहले इसके बारे में समझना है। सबसे पहले देखिए, आपको तैयारी करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करिए, अपना रूटीन बनाइए। सबसे पहले नोट्स यानी जो भी हो एसएससी जीडी के सिलेबस को समझिए, सिलेबस यानी उसका सिलेबस क्या है। फिर आप क्या करिए, जीके और जीएस का नियमित अध्ययन करिए। नियमित अध्ययन करिए मतलब बात समझिए, ये ऐसा पोर्शन है कि लड़के क्या करते हैं, कितना भी याद करते हैं ये होता नहीं, लेकिन आपको डेली करना है। फिर क्या करना है, इसके ध्यान समझिएगा, जहां पर नोट्स डेली शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट्स नोट्स किसके शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे, जिस पर डाउट हो, यानी कि जिस पर डाउट सेशन हो, यानी कि जिस पर डाउट हो, यानी उस पर क्या बनाइए, अपना डाउट वाले पर ही अपना क्या करें, शॉर्ट नोट्स बनाए डाउट वाले पर। और डेली भाई देखिए, डेली आप क्या करिए, एक रूटीन बनाइए। डेली क्या करिए, एक रूटीन बनाइए। और रूटीन किसका, कि हमें क्या करना है, सबकी स्ट्रेटजी यानी कैसे पढ़ना है, सब डेली बाय डेली। ऐसा नहीं आप आया है तो उसे डेली 2-1 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। डेली का रूटीन टाइम टेबल सेट करिए, अपना टाइम टेबल सेट करिए। टाइम टेबल सेट करने के बाद भरपूर नींद लीजिए। पहली बात, भरपूर जब नींद लेंगे, जब भरपूर नींद लेंगे तो आप करना क्या है, सबसे पहले आपको ये करना होगा कि भरपूर नींद लेंगे तो क्या होगा, कोई भी कॉन्टेक्ट जब पढ़ेंगे, जब अध्ययन करेंगे, आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, आपको याद होगा, पूरा याद होगा। अगर आपकी अधूरी नींद रहेगी तो आपको चीजें याद नहीं रहेगा। डेली बाय डेली 7 से 8 घंटे आप क्या करिए, सोइए 7 से 8 घंटे। इसमें कोई भी मत सोचिए कि हाँ कितना घंटे मैं सो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये नहीं। डेली बाय डेली और डिवाइडेशन आप इस तरह कर लीजिए, देखिए दिन भर काम करिए, कोई भी आप इसको एग्जाम निकालने की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, 8 घंटे सोइए, सोइए कोई दिक्कत नहीं, 8 घंटे सोइए कोई दिक्कत नहीं, 8 घंटे अपना दिन भर में जितना काम है निपटा डालिए, 8 घंटा काम कर डालिए। लेकिन जो 8 घंटा बचता है इसमें केवल अध्ययन करना है आपको, अध्ययन करना है, ध्यान देखिए। और डेली नियमित तरीके से सुबह उठिए तो अपना क्या करिए, व्यायाम करिए, थोड़ा सा ही करिए, 10 मिनट ही करिए लेकिन करिए, 10 मिनट ही करिए लेकिन करिए। इतना ही तो आपको क्या है, पूरे पैटर्न है। जब भी आप क्या करें, अपने आप को एकांत में लेकर जैसे भी हो तैयारी आपको करनी है। जानते हैं कि आपका जो सिलेबस होता है, सिलेबस जो भी होता है, देखिएगा यहाँ पर सिलेबस होता है क्या है, सिलेबस में आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए जो सिलेबस है, पहली बात मैंने कहा कि सिलेबस के पैटर्न को समझेंगे। सिलेबस में आप जानते हैं कि जो जीके जीएस है, जीके जीएस का मतलब समझते हैं कि नहीं, जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस यानी कि विज्ञान। इससे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और होगा क्या, प्रत्येक एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर के यानी कि 40 नंबर का इसमें होगा। फिर आपके क्या आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, जो हिंदी लेना चाहता है हिंदी ले लेगा, चाहे इंग्लिश होगा तो इंग्लिश ले लेगा। इसमें से क्या अभी 20 नंबर आते हैं, अभी 40 नंबर के आते हैं। फिर आपके क्या होता है, रीजनिंग आता है, रीजनिंग
तो देखिए रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 40 नंबर के, अब फिर आपका आता है मैथ, मैथ भी कितने 20 नंबर के, यानी कि ये भी 40 नंबर। टोटल प्रश्न आपके 80 होते हैं, ध्यान देखना 80 प्रश्न यानी कि 80 क्वेश्चन जो होते हैं आपके 60 मिनट में हल करने होते हैं, ध्यान देना। लेकिन इसकी देखिए आपकी कंडीशन जो भी बनती है, पासिंग इसका अगर करना होगा, सिलेबस जब पढ़ते हैं लड़के तो करते क्या है देखिएगा ध्यान से, लड़के करते क्या है, गलती क्या करते हैं लड़के, लड़के पूरे तरीके से क्या करते हैं, जो सिलेबस में रहता है उससे नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं सब कुछ पढ़ने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है, हमें वही पढ़ना है जो इसके सिलेबस में है। और सिलेबस में जो भी है मैं उसका पूरा पैटर्न आपको लिखवा दूंगा और बता दूंगा कि क्या आपका पढ़ना है। मैं आपका डेली क्लास ले रहा हूँ तो आपका क्या होगा, पूरा पोर्शन उसमें भी कवर होता है, लेकिन मैं इसके लिए अलग से एक बैच हो जाएगा स्टार्टिंग, और इसमें आप क्या करेंगे अपनी चीजों की याद रखेंगे। सबसे पहले देखिए जो 2022 का सिलेबस यानी कट ऑफ था, ध्यान देखिएगा जो कट ऑफ गया था, कट ऑफ गया था कितना गया था, आप देखिएगा जो भी हमको बताना है आपको, देखिए कट ऑफ जो था लगभग में आपका कट ऑफ देख के मैं बता देता हूँ, 139 देखिए यूआर यानी कि जनरल का 139 पॉइंट कुछ गया था, यानी कि 139 प्लस गया था। ओबीसी का क्या गया था, ओबीसी का आपका था देखिए मैं अभी देखकर पूरा डिस्कशन बता देता हूँ, 137.64 था, ये एक पर था 132.5, और एससी का देखिए गया था आपका 127.33, और एसटी का जो आपका गया था 123.04, और ईवीएस ईडब्ल्यूएस का जो पॉइंट गया था 136.75। ये आपका क्या था, पुराना है, ध्यान से समझिएगा, पुराना इतना क्वेश्चन है आपका, मतलब ये हुआ कि आपका 80 क्वेश्चन है, मतलब 160 में इतना मार्क आपका क्या गया है, कट ऑफ गई है, देख रहे हैं कि नहीं, इतना कट ऑफ गई है। और इतना कट ऑफ जाने के लिए आप जानते हैं कि मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत करने के बाद इसलिए क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो इसमें कुछ क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन सी नौकरियां इसमें मिलती हैं, एसएससी के थ्रू देखिए कौन कौन सी नौकरियां मिलती हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये तो कट ऑफ था, जब आप अच्छे नंबर लाएंगे तो ध्यान दीजिएगा जो इसमें आपका आता है, यहाँ पर देख के बता देता हूँ मैं आपका, देखिए जो सबसे पहले आपका आता है क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे एसएसबी, फिर क्या सीआरपीएफ, आईटीबीपी, फिर क्या सीआईएसएफ, फिर आपका देखिए यहाँ पर सीआईएसएफ के बाद आपका आ जाता है एसएसबी, एसएसबी, एसएसबी के बाद आपका आता है आसाम राइफल्स, आसाम राइफल्स के बाद आपका देखिएगा जो आपका कहते हैं एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एसएसएफ यानी आपका ये हो जाता है सिक्योरिटी, यानी ये सब क्या होती है पोस्ट एसएससी जीडी के, और ये पोस्ट पाने के लिए आपको क्या करना होता है, एसएससी जीडी में अच्छे नंबर लाना है। मैंने पैटर्न बताया कि क्या करना है आपको, अगर पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। पैटर्न ध्यान देना, मैं जो बोला हूं जीके को नियमित तरीके से पढ़ना है। आप करना क्या, देखिए आपके जो भी वैकेंसी आती है उसमें अगर आप समय नहीं देंगे तो आप एग्जाम सिलेबस कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको होता है कि एग्जाम को क्लियर करना, एग्जाम क्लियर कैसे होगा कि बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं बनेगी एग्जाम, मैंने आपको बताया प्रश्न 1 घंटे में करने होते हैं, और उसके लिए आपको सिलेबस के बता दिया आपका मैथ का होता है, रीजनिंग का होता है, सामान्य हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक का ले सकते हैं, आपको जो आपको मजबूत हो ही लेंगे। मजबूत क्या होता है, आपको तैयारी करना है जिसमें अच्छा लगता हो, तो जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान और जीएस में क्या पढ़ना है वो आपको बताऊंगा। अब पूरे तरीके से आप क्या करिए, अपने आप को तैयार रखिए, मैं जिस स्ट्रेटजी बताया हूँ उसको आप अपने जीवन में फॉलो करिए, ठीक है। बार बार दोबारा मौका नहीं मिलता है, और आपको देखिए ऐसा अगर वक्त मिला है तो आप कुछ खोना नहीं है। जानते हैं ना कि एक चीज, वक्त हर किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त हर किसी के लिए रुकता नहीं, जो वक्त का इंतजार करते हैं वक्त उनका इंतजार करने देता नहीं। तो आप क्या करिए, ये मत सोचिए कि टाइम क्या है, कि भी टाइम आएगा नहीं, आपको टाइम लाना पड़ेगा, और जो तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, स्वयं मेहनत करेंगे, नियमित तरीके से पढ़ाई करिए। मैं आपका क्या है, पूरा सिलेबस आपका क्या करूंगा, कवर कराऊंगा, और नियमित आपका 3 महीने के अंदर सिलेबस पूरा होगा। सिलेबस कैसे पूरा होगा, जब उसे पैटर्न को समझेंगे तब पूरा होगा, ठीक है दोस्तों।
आपके एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए आज ही दस्तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को मजबूत कराइए और अधिक से अधिक सिलेक्शन पाइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।